केंद्र सरकार की योजना के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद के आह्वान को देखते हुए दुर्ग जिले में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा के लिहाज से आरपीएफ और जीआरपी जवानों को तैनात किया गया है। वहीं जिले में एक दिन पहले 40 से 50 युवाओं ने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अब शांति व्यवस्था भंग ना हो उसके लिए रेलवे पुलिस स्टेशन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रही है। वहीं रेलवे स्टेशनों में खुफिया पुलिस भी अलर्ट पर है, पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन पावर हाउस में कानून व्यवस्था ड्यूटी करीब 55 का बल लगा है। यहाँ पर आरपीएफ का 2 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर और 1 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और आरक्षक, प्रधान आरक्षक, टोटल 36 का बल है यहाँ पर। और जिला अपने जीआरपी का बल है, टोटल 55 का बल यहाँ पर सुरक्षा के लिए लगी है। लगातार शांति है। आज 40 से 85 युवक जिला कोर्ट के सामने जमा हुए थे, जिन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया है। लगातार उनको समझाया गया कि किसी भी तरह से हिंसक चीज़ों में ना उतरे, यदि उनके खिलाफ कोई अपराध कायम हो जाएगा तो उनको आगे पुलिस वेरिफिकेशन में और नौकरियों में मुश्किल आएगा। लोगों को काउंसलिंग करने के बाद लोग समझ गए और लोग वापस चले गए। लगातार रेलवे लाइन और बाकी जितने गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन है उस पर सुरक्षा पर नज़र रखी जा रही है और भरोसा है कि शांतिपूर्वक यहाँ पर इसका समाधान निकाल लिया जाएगा।